हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्राफर। सो गाइस, आज हम लोग बात करेंगे कि अगर आपके पास एक सैमसंग का फ्लैगशिप कैटेगरी कोई भी स्मार्टफोन है, जैसे कि सैमसंग S10 प्लस या फिर S10, नोट 10 प्लस या फिर नोट 10 या फिर S20, इस टाइप का अगर आपके पास कोई भी फ़ोन है तो कैसे आप UI 3.0 को आप इंस्टॉल कर पाएंगे। लेकिन खासकर मैं पर्टिकुलरली इस वीडियो में दिखाऊंगा कि अगर आपके पास सैमसंग का नोट 10 या फिर नोट 10 प्लस अगर आपके पास फ़ोन है तो कैसे इन डिवाइस में आप UI 3.0, जो कि लेटेस्ट अपग्रेड आएगा सैमसंग की तरफ से, उसको आपको कैसे अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना है। बहुत ही इजी वे है, एकदम वन क्लिक है, ऐसा बहुत ही लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है, बहुत ही इजी है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, इसके लिए आपको जो ऑफिशियल सैमसंग मेंबरशिप जो ऐप है उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। आप जो ये ऐप है प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर जो गैलेक्सी स्टोर है सैमसंग का खुद का, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। एक बार डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है, और आप यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप का लेआउट देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, और ऊपर की तरफ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 9 पेजेस है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पर स्वाइप करना है, और यहाँ पर आपको लास्ट में आना है, और आप यहाँ पर देख पाएंगे कि UI 3.0 बीटा प्रोग्राम, यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा लिखा गया कि UI 3.0 बीटा प्रोग्राम विथ एंड्रॉयड 11 फॉर नोट 10 एंड नोट 10 प्लस, और आपको इसको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख पाएंगे पूरा एक पेज यहाँ पर ओपन हो चुका है, और पूरा जो जानकारी है UI 3.0 का जो बीटा प्रोग्राम उसके बारे में सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है। सबसे पहले जो पॉइंट हुआ गया यहाँ पर लिखा गया कि वी रिकमेंड यू बैकअप योर इंपॉर्टेंट डेटा टू कीप इट सेफ फ्रॉम एनी अनएक्सपेक्टेड एरर्स दैट मे ऑकर वाइल यूजिंग बीटा सॉफ्टवेयर और ड्यूरिंग अपग्रेड्स। सो आपको आपके फ़ोन में जितने भी फाइल्स है उसको आपको बैकअप कर लेना है अपग्रेड करने से पहले। और नीचे और सेकंड पॉइंट दिया गया है कि सर्टन फीचर्स मे नॉट वर्क इन सम एप्स एज बिलो। और थर्ड जो पॉइंट है कि प्लीज़ अपडेट योर एप्स बाय गैलेक्सी स्टोर आफ्टर सॉफ्टवेयर अपडेट। तो इन तीन जो चीज़ है इसको आपको ध्यान में रखना है। और उसके बाद आप नीचे की तरफ आप देख सकते हैं कि कुछ यहाँ पर क्वेरीज है, वो भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर जो लिखा गया UI बीटा प्रोग्राम, इसमें आपको टैप करना है, और जैसे ही आप टैप करेंगे आपको और एक पेज खुल जाएगा, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सब कुछ यहाँ पर इसके बारे में दिया गया है, आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हो। उसके बाद जो नीचे यहाँ पर जो एनरोल है उसमें आपको टैप करना है, और टैप करने के बाद आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टर्म्स ऑफ सर्विस एंड प्राइवेसी पॉलिसी। आप यहाँ पर जो नीचे जो थर्ड ऑप्शन है आई हैव रीड एंड एग्रीड टू ऑल ऑफ द अबव, इसमें आपको क्लिक करना है, और जो एग्री है उसमें आपको क्लिक करना है। मैं यहाँ पर क्लिक नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी जो बीटा प्रोग्राम है अपने फ़ोन में इंस्टॉल नहीं करना है, लेकिन अगर आप चाहते हो तो आप, ये लीगल प्रोसेस है, ऑफिशियल प्रोसेस है, आप इसको ट्राई कर सकते हो। लेकिन जो यहाँ पर तीन जो पॉइंट था उसको आपको ध्यान में रखना है। एक बार एनरोल करने के बाद आपको यहाँ पर सेटिंग्स पे जाना है, और सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना है सॉफ्टवेयर अपडेट पे, और सॉफ्टवेयर अपडेट उसके बाद डाउनलोड एंड इंस्टॉल। और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जो भी आप इनरोल किए थे UI 3.0 का बीटा प्रोग्राम यहाँ पर आप आ जाएगा। फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पर कैंसिल किया था, तो अभी जो आया है वो सॉफ्टवेयर अपडेट है, UI 3.0 अपडेट नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पर चूज़ करते हो UI बीटा प्रोग्राम सपोर्ट अपने फ़ोन में इंस्टॉल करने के लिए, तो आपको लिंक आ जाएगा, और आपने जो यहाँ पर सॉफ्टवेयर अपडेट की जगह यहाँ पर आपको UI 3.0 बीटा अपडेट यहाँ पर दिखाएगा, और आप यहाँ पर इंस्टॉल भी कर पाएंगे बहुत ईजिली। सो आप इसी तरीके से बहुत ही ईजी वे में अपने सैमसंग के जो फ्लैगशिप फ़ोन है उसमें आप UI 3.0 बीटा प्रोग्राम इंस्टॉल कर सकते हो। बहुत ही ईजी है और ऑफिशियल भी है। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी दिक्कत आता है या फिर कोई डाउट है, तो गाइज आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो चलिए गाइज, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, क्योंकि ऐसे ही मैं आपके लिए क्वालिटी वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तो चलिए गाइज, मिलते हैं वीडियो में, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर गाइज।